कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो आपके सामने कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग कंट्रोल। क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? प्रोसेसिंग कंट्रोल कवर करने वाले हैं। नाउ दोस्तों अब ये जो कंट्रोल हमारा आ रहा है तो सबसे पहले हम इसका फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे कंट्रोल पे पहुंचे हैं। प्रोसेसिंग कंट्रोल ये कहाँ पे दिया हुआ है, किसके अंदर दिया हुआ है। फटाफट से आप अपना विजन क्लियर करें और मेरे साथ आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्ट किया था कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल से। कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल में तीन चीजें हमने आपको बताई थी। तीन चीजें कौन सी थी? पहली थी दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल, दूसरा था आई एस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल एंड थर्ड था ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल में हमने डिटरेंट कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल कवर कर लिया था, राइट। देन इसके बाद जो हमने आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल कवर किया हुआ था उसमें जो हमने कवर किया था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में टाइप्स हमारे पास कवर थे, राइट, जहां पे तीन तरीके के लॉग, दो तरीके का लॉगिंग, तीन तरीके का आईडी एंड देन अदर वीडियो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने कवर की थी। देन इसके बाद हमारे पास आता है आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल। आईएस रिसोर्सेज वाइज कंट्रोल में दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड देन इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। नाउ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो गया, नाउ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आता है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में हमने कवर अप किया था तीन तरीके से। एक तो वायलेटर था, दूसरा था एक्सपोजर एंड तीसरा था हमारे पास कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। तो वायलेटर में तो हमने बता दिया था एम्प्लॉइज एंड यूजर वाली बात हो गई थी। देन इसके बाद जब हम बात किए थे वहां पे एक्सपोजर की, तो एक्सपोजर दो तरीके से, टेक्निकल एक्सपोजर एंड असिंक्रोनस एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर में हमने जो कवर किया था दैट इज कॉल्ड एज डेटा ने हॉर्स के ऊपर बॉम्ब फेंका तो बॉम्ब के कारण राउंड राउंड करके हर डोर पे सलामी करने लगा। इसके बाद सेकंड जो आता है दैट इज असिंक्रोनस अटैक, उसमें हमने कवर किया था पिगी ने वायर टैपिंग करके डेटा लीकेज किया जिससे थ्रेट हो गया, ये चीजें कवर होगी। देन इसके बाद आता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम। वहां पर हमने पूरा टिप्स आपको दिया था। क्या टिप्स था? रूपा ब्रांड यूपी में आलतू पालतू ब्रांड है और ESPs में न्यूज आती है कि इसकी मॉनिटर में मजे लो और मोबाइल में मजे लो। तो ये हमारा पूरा आईएस रिसोर्सेज कंट्रोल हो गया। देन इसके बाद है ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। उसमें दो कंट्रोल हमने कवर किए थे, एक था मैनेजरियल कंट्रोल एंड सेकंड था दोस्तों एप्लीकेशन कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। नंबर वन टॉप मैनेजमेंट आईएस मैनेजर, सेकंड था एसडीएलसी मैनेजमेंट, थर्ड था हमारे पास पीडीएलसी था, फोर्थ था डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट, फिफ्थ था ऑपरेशन मैनेजमेंट, देन इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट एंड देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये पूरा कवर कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन कंट्रोल में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमने बाउंड्री कंट्रोल कवर किया, देन इसके बाद इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल में हमने चार तरीके से कंट्रोल कवर किए, याद है आपको? सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, देन इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा कोडिंग कंट्रोल एंड देन थर्ड द बैच कंट्रोल एंड देन फोर्थ द वैलिडेशन कंट्रोल एंड देन अब हमारे पास आता है दोस्तों प्रोसेसिंग कंट्रोल। प्रोसेसिंग कंट्रोल के बाद आएगा आउटपुट कंट्रोल, देन डेटाबेस कंट्रोल एंड देन कम्युनिकेशन कंट्रोल, राइट। तो प्रोसेसिंग कंट्रोल कवर करना है, आउटपुट कंट्रोल कवर करना है, डेटाबेस कंट्रोल कवर करना है एंड देन कम्युनिकेशन कंट्रोल कवर करना है। तो ये चार कंट्रोल आइए हम कवर करते हैं एक के बाद एक करके। सो हियर वी स्टार्ट विद द प्रोसेसिंग कंट्रोल दोस्तों। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ रहे, राइट। अब मैं अगर एप्लीकेशन की बात करता हूँ दोस्तों तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन किसकी बात कर रहा हूँ? टैली की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? टैली की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सपोज मान लो हमारे पास टैली हो गया, ओके, या तो मैं बात करता हूँ कोई वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, तो कोई भी चीजें हो सकती है या एप्स हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये ऑफलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो तीनों ही सॉफ्टवेयर है। अब बात ये आ रही है सर जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लगाया था? बाउंड्री कंट्रोल लगाया था। क्या लगाया था यहां पे? बाउंड्री कंट्रोल लगाया था कि कोई भी यहां पे अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो पाए। तो प्रिवेंट व्हाट?
अनऑथराइज्ड एंट्री, यही बताया था। यस, अनऑथराइज्ड एंट्री ये नहीं होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था इनपुट कंट्रोल। तो इनपुट कंट्रोल मुझे क्या दे रहा था, जल्दी बोलो फटाफट से। इनपुट कंट्रोल मुझे क्या दे रहा था, वैलिड एक्यूरेट टाइमली एंड कम ऑन कंप्लीट इनपुट, राइट। इट प्रोवाइड्स व्हाट, ओके। देन इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसिंग कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल हमने यहाँ पे पूरा लगा दिया था इस पे, यस। तो हमें ये मिल गया, देन आता है हमारे पास प्रोसेसिंग कंट्रोल। नो, प्रोसेसिंग कंट्रोल का जो पर्पज है दोस्तों वो क्या है हमारा, प्रोसेसिंग कंट्रोल का जो हमारा पर्पज है वो क्या है, टू हैव व्हाट, एक्यूरेट वैलिड सेम भाई टाइमली एंड कंप्लीट कम ऑन प्रोसेसिंग। मैं एक्यूरेट चाहता हूं, वैलिड चाहता हूं, टाइमली चाहता हूं एंड कंप्लीट प्रोसेसिंग चाहता हूं। तो मैंने क्या लगाया दोस्तों, प्रोसेसिंग कंट्रोल लगाया हुआ है, राइट। कहां पे लगाया है हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन कंट्रोल है, राइट। अब इसी के साथ हम क्या लगाएंगे यहां पे, आउटपुट कंट्रोल। देन इसके बाद इसी पे लगेगा डेटाबेस कंट्रोल एंड देन इसी पे लगेगा दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन कंट्रोल, राइट। तो अभी हमारा पूरा फोकस कहां पे रहेगा दोस्तों, प्रोसेसिंग कंट्रोल पे रहेगा। नाउ जब मैं बात करता हूं दोस्तों प्रोसेसिंग कंट्रोल की, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, प्रोसेसिंग कंट्रोल की बात कर रहा हूं। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ध्यान से समझ लो, ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, दिस प्रोसेसिंग इज डन बाय व्हाट, सीपीयू। तो अगर आपको चार चीजें चाहिए प्रोसेसिंग में, ध्यान से समझना, क्या चाहिए, चार चीज चाहिए, मतलब टाइमली प्रोसेसिंग चाहिए, एक्यूरेट प्रोसेसिंग चाहिए, वैलिड प्रोसेसिंग चाहिए एंड कंप्लीट प्रोसेसिंग चाहिए। अगर ये प्रोसेसिंग आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल। सबसे पहला कंट्रोल लगेगा दोस्तों कहां पे, सीपीयू पे कंट्रोल लगेगा। पहला कंट्रोल हम कहां पे लगाएंगे, सीपीयू पे लगाएंगे, राइट। अच्छा, सीपीयू ध्यान से समझना, ये यूजर बैठा था, बट यूजर जो है डायरेक्टली सीपीयू पे डेटा नहीं देता था, वो किसके थ्रू डेटा देता था, जल्दी बोलो। सबसे पहले रैम आता था, याद आया या नहीं आया, यस। और रैम अगर इनसफिशियंट हो गया तो फिर हम क्या यूज करते थे वहां पे, वर्चुअल मेमोरी, राइट। और वहां से डेटा कहां पे जाता था, सीपीयू पे। तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर अपना रैम गड़बड़ हुआ तो सीपीयू काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सीपीयू को डेटा कहां से मिल रहा है, रैम एंड कैश मेमोरी से। मैंने आपको ये बताया था मदरबोर्ड पे बताते वक्त। और रैम अगर इनसफिशियंट होता है तो फिर वहां पे आप वर्चुअल मेमोरी भी यूज करते। तो अपने को क्या है, कहां कहां पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा, एक कंट्रोल लगेगा रैम पे कि भाई मेरा रैम भी कंट्रोल में होना चाहिए, दूसरा कंट्रोल लगेगा हमारा वर्चुअल मेमोरी पे अगर वर्चुअल मेमोरी आप यूज कर रहे हो तो, और तीसरा कंट्रोल इसने लगाया हुआ है सीपीयू पे, राइट। आप बोलोगे सर कैश मेमोरी पे भी कंट्रोल लग सकता है, यस बिल्कुल लग सकता है दोस्तों, बट अपने सिलेबस में कैश मेमोरी नहीं दिया हुआ है इसलिए अपन उसको कवर नहीं कर रहे। ये बोलता है प्रोसेसिंग कंट्रोल को, अगर प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना है तो आपके पास देखो कितनी चीजें हैं यहाँ पे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर कैबिनेट है, कैबिनेट में क्या रखा हुआ है दोस्तों, मदरबोर्ड रखा हुआ है। और इस मदरबोर्ड में आपको तीन चीजें दिख रही है, पहली कौन सी चीज दिख रही है, पहली चीज आपको दिख रही है सीपीयू, क्या दिख रहा है दोस्तों, सीपीयू दिख रहा है, ये रहा सीपीयू। तो सीपीयू पे कंट्रोल लगेगा, देन रैम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रैम एंड रोम, राइट, रैम एंड रोम। तो हम यहां पर रैम की बात कर रहे हैं तो इस पर भी कंट्रोल लगेगा, ठीक है। एंड तीसरा है दोस्तों हार्ड डिस्क, जिसके अंदर वर्चुअल मेमोरी रखी होती थी, बताया था मैंने आपको, यस, हार्ड डिस्क के अंदर वर्चुअल मेमोरी रखी होती थी, तो इस वर्चुअल मेमोरी पे भी अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये सीपीयू काम कैसे करता है। तो मैंने बताया था सीपीयू के अंदर जो है दोस्तों तीन चीजें होती है, एक होता है सीयू,
एक होता है ALU और तीसरा होता है रजिस्टर, याद आया क्या? यस बिल्कुल। तो ये तीनों भी यूनिट जो है दोस्तों, ये क्या होना चाहिए? बराबर तरीके से काम करना चाहिए, मतलब ये तीनों यूनिट भी क्या होनी चाहिए? कंट्रोल होनी चाहिए। दूसरा मैं बात करूंगा रैम पे। यहाँ पे रैम का काम क्या होता था? प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, याद आया? अगर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, तो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो ये तभी प्रोवाइड करेगा जब ये बराबर तरीके से कंट्रोल में होगा। यस, तो रैम भी कंट्रोल में होना चाहिए। एंड एडिशनल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वर्चुअल मेमोरी भी प्रोवाइड करती थी एज एंड व्हेन रैम प्रूव टू बी इनसफिशिएंट। तो इन तीनों चीजों को अपने को यहाँ पे क्या है? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं अपन एक के बाद एक ये सारी चीजों को, ठीक है? यस, यहां पे आप देखें ना, सबसे पहला अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्रोसेसिंग कंट्रोल, मैंने क्या बोला दोस्तों? प्रोसेसिंग कंट्रोल, ध्यान से इसको आप समझना। क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल मेरा क्वेश्चन आ रहा है। ये चार्ट आप वहीं पर बना के आप उसको स्टिक कर लेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल। Now, इस प्रोसेसिंग कंट्रोल एग्जाम में पूछता है तो आपको यहां पे तीन चीजें कवर करनी है। नंबर वन इस प्रोसेसर कंट्रोल, ओके, एंड देन सेकंड इज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल मेमोरी कंट्रोल। देन इसके बाद वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, एंड देन डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। ये बिफोर अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था, बट आफ्टर अमेंडमेंट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले ही बता देता हूं यहां पे। आप अगर यहां पे ये देखो, डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल में इतने बहुत सारे कंट्रोल्स यहां पे दिए हुए हैं, और बिफोर अमेंडमेंट इसका इन्हें डिटेल में दिया हुआ था, मतलब आपको एक्सप्लेन करना था, बट अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्सप्लेनेशन अब डिलीट हो चुका है, तो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो ये अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? तो डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल। तो अगर ये पूछता है प्रोसेसिंग कंट्रोल आप एक्सप्लेन करो, तो आपको नंबर वन लिखना पड़ेगा प्रोसेसर कंट्रोल, दैट इज CPU, नंबर टू रियल मेमोरी कंट्रोल, नंबर थ्री वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, एंड नंबर फोर इज वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल। आ रहा बात समझ में? यस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टिल दो मार्क्स का पूछ सकता है। ये पूछ सकता है टाइप्स ऑफ, ध्यान से आप कंफ्यूज नहीं होना, बस इसलिए मैं लिख रहा हूं, डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। टाइप्स ऑफ व्हाट? कम ऑन, डेटा प्रोसेस। तो डेटा प्रोसेसिंग अलग होगा एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल अलग होगा। अरे बात सुनो, तो प्रोसेसिंग कंट्रोल में सबसे पहले आ गया सीपीयू का कंट्रोल करना है, देन रैम की कंट्रोलिंग यहाँ पे होगी, देन वर्चुअल मेमोरी की कंट्रोलिंग यहाँ पे होगी, एंड देन डेटा, एक्चुअल में जो डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर है उसके प्रोसेसिंग का कंट्रोल होना है यहाँ पे। अरे बात, मतलब यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन की यहाँ पे कंट्रोलिंग होगी। यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो अब ये बात करता है यार सीपीयू पे कंट्रोल करना, मतलब मैं यहाँ पे अल्टीमेटली किस पे फोकस कर रहा हूँ दोस्तों? अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीपीयू की, ये मैं एक्चुअल में मैं इस यूनिट की अब बात कर रहा हूँ, इस यूनिट की, ये जो यूनिट है हमारे यहाँ पे, इस यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको कंट्रोल करना है मुझे, ओके। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखो CPU, that is processor control, it uses what? Control to reduce, come on, क्या लिखा है यहाँ पे? Expected losses from errors and irregularities associated with, come on, क्या लिखा है यहाँ पे? Central processor, मतलब this control, क्यों चाहिए ये control? Come on, ये control इसलिए चाहिए कि unnecessary जो loss हो, जो data processing होते वक्त data का loss होता है, या complete data नहीं मिल पाता, या data में error आ जाते हैं, या inaccurate data मिलता है, वो इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, वो एरर मिस्टेक्स ना ही होने चाहिए। आ रहा है बात समझ में? यस।
तो प्रोसेसर कंट्रोल में वहीं पे आप लिख लो, प्रोसेसर कंट्रोल में आप लिख लो सबसे पहला काम, यस प्रोसेसर कंट्रोल में आप लिख लो दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, कम ऑन, दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट प्रोसेसिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑपरेशन राइट फ्रॉम एरर्स एंड, या आप ऐसे लिख सकते हो, एरर्स सिंपल नहीं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एरर्स, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एरर्स, क्लियर और नॉट क्लियर, यस, तो ये एरर वहां पे नहीं होने चाहिए, तो आप प्रोसेसिंग को क्या कर रहे हो, वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट right? अब ये बोलते हैं प्रोसेसिंग कंट्रोल जो है इसके अंदर, ध्यान से समझना, इसके अंदर चार तरीके के कंट्रोल है, 1, 2, 3, 4, प्रोसेसर कंट्रोल में टाइप्स ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल, प्रोसेसर कंट्रोल मतलब आपको बता दिया ना, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल बोलता है, तो यहां पे अगर आप आओगे देखोगे लिखा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर सीपीयू और प्रोसेसर, तो पहला आता है दोस्तों एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, पहला क्या आ रहा है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, डिटेक्शन एंड करेक्शन, दूसरा आ रहा है स्टेट एग्जीक्यूशन, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, तीसरा है दोस्तों टाइमिंग कंट्रोल, एंड फोर्थ है रिटेंशन कंट्रोल, यस, पहला एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कंट्रोल, दूसरा है मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, तीसरा है टाइमिंग कंट्रोल, एंड फोर्थ है रिटेंशन कंट्रोल। अब जब मैं यहां पे बात करता हूं दोस्तों सीपीयू की, तो सीपीयू यहां पे क्या है दोस्तों, फिजिकल डिवाइस है राइट, इट्स अ फिजिकल डिवाइस, तो जब आप ये सीपीयू बना रहे हो राइट, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, यस बिल्कुल, जब आप कोई भी चीज बना रहे हो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, उसके डिजाइन में एरर आ सकती है, सर्किट्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग बराबर नहीं होगी, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोसेसिंग कंट्रोल है मेरा पर्पस क्या है, एरर नहीं आने चाहिए प्रोसेसिंग में, मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला है साहब, एरर नहीं आना चाहिए, वो कोई भी रीजन हो एरर नहीं आना चाहिए प्रोसेसिंग में, तो इसने बोला सबसे पहले आप उसके मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस करो कि कोई भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज एनी डिफेक्ट फाइंड आउट यू हैव टू रिमूव दोज एरर्स, आ रहा बात समझ में, यस, तो यहां पे देखो यहां पे लिखा वेरियस टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्शन करेक्शन स्ट्रेटजीज मस्ट बी यूज्ड टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी, कम ऑन, क्या लिखा, टेक्निकल और डिजाइनिंग एरर्स आर अवेलेबल इन द सीपीयू, आ रहा है बात समझ में, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन स्ट्रेटजीज आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट क्या कर सको आप, ऐसे एरर्स को आप रिमूव कर सको राइट, तो यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं अर्ली ऑडिटिंग ऑफ, कम ऑन, सीपीयू टू चेक whether it is free from manufacturing defect or not, manufacturing defect or not, आ रहा है बात समझ, तो यहां पे अगर कोई भी एरर्स वगैरह है तो ये क्या हो जाएगा, मेल फंक्शन होगा, तो इसलिए अपने को ये स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी, तो एक मैंने स्ट्रेटजीज लगा दी, दैट इज ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि क्या सीपीयू में, सीपीयू के मैन्युफैक्चर में कोई भी डिफेक्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ व्हाट, कम ऑन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ सीपीयू, यस,
क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात हो रही है। सेकेंड आता है दोस्तों मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। क्या आता है यहाँ पे? मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। नाउ व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट? चलो समझ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं ना दोस्तों। ये हमारे पास मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में मैंने क्या बताया था कि रस्ते होते हैं, याद है आपको? रस्ते ऐसे ऐसे कुछ बताया था हमने मदरबोर्ड का जब आर्किटेक्चर बनाया था, बिल्कुल। और इसे हम अपनी दुनिया में क्या बोलते हैं? रस्ते बोलते हैं, राइट। और ये सपोज मान लो ये क्या था यहाँ पे, ये मेमोरी अवेलेबल थी और इस मेमोरी को इस मेमोरी से कनेक्ट करना था, तो हमने क्या बनाए थे? रस्ते, जहाँ पे डेटा रिसाइड कर रहे थे। yes. ये चीजें मैंने आपको बताई थी। एंड ये जो रस्ता है इसको कंप्यूटर की दुनिया में हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्किट, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कई सारे वायर है, राइट, अलग अलग वायर पे अलग अलग ना यहाँ पे। अब सपोज मान लो ये मेमोरी है, ओके, ये सर्किट, ये मेमोरी यहाँ से जुड़ा हुआ है कीबोर्ड से, राइट। अब कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पे डेटा जा रहा है, बराबर है, और ये डेटा अब यहाँ पे जाएगा कीबोर्ड पे। इसने कमांड दिया, क्या दिया दोस्तों? कमांड, कमांड दिया। तो अब बताओ हो सकता है क्या एट अ टाइम एक ही कमांड जा रहा हो या मल्टीपल कमांड जा सकते हैं? मल्टीपल कमांड जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं। तो चूंकि वहां पे मल्टीपल प्रोग्रामिंग है तो कई सारे कमांड जो आप एक साथ डाल सकते हो, जैसे एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे आपने एक कमांड डाला, यस, पहला कमांड आपने डाला डिलीट का कमांड, ठीक है, पहला कमांड डिलीट का कमांड था, दूसरा कमांड प्रिंट का कमांड था, हो सकता है, यस, बिल्कुल हो सकता है प्रिंट का कमांड, तीसरा कमांड आपने फैक्स का कमांड दे दिया हो, बिल्कुल हो सकता है। तो ये तीन कमांड आपने एक साथ दिए हुए। आप बताओ एक सर्किट से एक कमांड जा रहा था, दूसरे सर्किट से दूसरा कमांड जा रहा था, तीसरे सर्किट से तीसरा कमांड जा रहा था, राइट। अगर ये कमांड सही है, ध्यान समझना, इसकी कोडिंग बराबर हुई है, सब कुछ सही है, तो इसका आउटपुट भी सही आएगा। मतलब जैसे ही आप ये कमांड यूज करोगे डेटा आपका क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। जब आप ये कमांड यूज करते हो तो आपके पास हार्ड कॉपी प्रिंट होके आ जाती है। जब भी आप ये कमांड यूज करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वर्चुअल मोड पे किसी दूसरे पीसी पे जनरेट हो जाता है, हार्ड कॉपी पे अवेलेबल हो जाता है। और थर्ड बंदा जो है, जो दूसरी लोकेशन पे अवेलेबल है, वो उसी डेटा को अपने मशीन से फिजिकली जनरेट करके देख सकता है, राइट, यस। अब सोचो ये जो कंप्यूटर था, ये जो कंप्यूटर था, यहाँ पे जो यूजर बैठा हुआ था ये ऑथराइज्ड यूजर था, ये कौन था? ऑथराइज्ड यूजर था, राइट। अब ये जो कीबोर्ड यूज करके ये यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है, राइट, तो ये ऑथराइज्ड यूजर कमांड दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑथराइज्ड कमांड है। बट ये फैक्स वाला कमांड, ध्यान से समझना, फैक्स वाला कमांड कौन दे रहा है? अनऑथराइज्ड यूजर दे रहा है। कौन दे रहा है दोस्तों? अनऑथराइज्ड यूजर दे रहा है, अनऑथराइज्ड यूजर दे रहा है, राइट। या तो इसी कंप्यूटर पे जो कमांड आ रहा है वो एक कमांड आ रहा है वायरस का, किसका कमांड आ रहा है? वायरस। अब यहां पे अगर वायरस का कमांड आ रहा है, बताओ ये ऑथराइज कमांड है या अनऑथराइज कमांड है? क्योंकि ऑथराइज यूजर कभी भी सिस्टम में वायरस नहीं डालना चाहेगा, राइट। तो मैं कैसा कंट्रोल लगाऊं? मैं बोल सकता हूं कि भाई सर्किट में कमांड्स आ सकते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग हो सकती है। तो मैंने बोला जो यूजर ऑथराइज यूजर है या जो कमांड ऑथराइज कमांड है उसको सीपीयू पे जाने दो, बट जो यूजर अनऑथराइज यूजर है या यूजर अनऑथराइज कमांड दे रहा है उसको सीपीयू तक कभी नहीं जाने दो। क्योंकि ऐसे कमांड अगर सीपीयू पे गए तो वो अगर कमांड एग्जीक्यूट होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? ये तो सिंपल लैंग्वेज में मैं इसी पॉइंट को फिर से दोहराना चाहूंगा और यहाँ पे मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट में मैं बात करूंगा। ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या है दोस्तों? मदरबोर्ड है, यही मैंने बताया था, यस। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? रस्ते हैं। क्या है? रास्ता है, ओके। और यहां पे कौन बैठा हुआ है? यूजर बैठा हुआ है। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड इससे कनेक्ट है ना। ये आपका रैम है और यहां पे क्या रखा हुआ था हमने? हार्ड डिस्क रखा हुआ था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, हार्ड डिस्क रखा हुआ है। और यहां पे क्या रखा हुआ था? सीपीयू रखा हुआ था, यही बताया था मैंने, यस। और ये जो रैम है, ये डेटा जो है ये सीपीयू के पास जा रहा है, राइट। अब सोचो यहां पे अगर यूजर
ये यूजर अगर ऑथराइज्ड है और ये यूजर अगर अनऑथराइज्ड है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि यहां पे मान लो सपोज बाउंड्री कंट्रोल नहीं लगा हुआ था और अनऑथराइज्ड यूजर आ गया, अब तो कमांड भेज रहा है। नाउ क्या करना चाहिए, ये क्या ये कमांड सीपीयू पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मैं इस कमांड को क्या कर दूं, मैं रोक दूं। तो अगर वायरस वाला कमांड है तो मैं इसको क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं, कंट्रोल होना चाहिए, यस ओके। और अगर एडिट वाला कमांड है और वो ऑथराइज्ड यूजर भेज रहा है, क्या वो जाना चाहिए, यस। क्या ये ब्लॉक हो जाना चाहिए, यस। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। स्टेट का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों, सर्किट। क्या बोला मैंने, सर्किट, सर्किट मतलब रास्ता। और यहाँ पे कोई सड़क वड़क तो रहती नहीं है, तो इस कॉल इज व्हाट, लॉजिकल सर्किट, डिजिटल लॉजिकल सर्किट, दैट इज व्हाट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग व्हाट, लॉजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा क्योंकि डेटा फिजिकल डेटा नहीं होता है, इट्स द लॉजिकल, बिकॉज द डेटा विच इज यूज बाय द प्रोग्राम है, राइट, यस। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लॉजिकल डेटा, मतलब लॉजिकल डेटा मतलब कोई ऐसा फिजिकल यूनिट पे आपको डेटा अवेलेबल नहीं है, बल्कि यहाँ पे कैसा डेटा अवेलेबल है, बाय प्रोग्राम्स जो डेटा आ रहा है। मैंने आपको फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों चीजें बताई थी, राइट ओके। अब ये जो लॉजिकल डेटा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना, ए बी सी डी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कमांड की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमांड। आपने कमांड दिया डिलीट, कमांड क्या दिया आपने, डिलीट। आ रहा है बात समझ में, यस yes. और आपने टाइप किया दोस्तों से सपोज मान लो आप यहाँ पे टाइप करते हो से सपोज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप कोई डेटा टाइप कर रहे हो, राइट right? तो ये जो डेटा है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल डेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल डेटा, बट दिस कमांड इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉजिकल डेटा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कमांड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट फिजिकल डेटा, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये जो कमांड, ध्यान से समझना, कमांड कहाँ से जा रहा है दोस्तों, कमांड जा रहा है सर्किट से, कमांड कहाँ से जा रहा है, सर्किट से, क्योंकि ये क्या अपना सर्किट है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सर्किट, और इस सर्किट में यूजर क्या भेज रहा है, कमांड भेज रहा है। तो ये बोलता है कि ये जो कमांड है, देखो यहाँ पे लिखा है स्टेट इज अ लॉजिकल सर्किट, ओके, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग व्हाट, लॉजिकल डेटा, लॉजिकल डेटा मतलब हो गया कमांड। तो जब यहाँ पे आप पॉइंट देखते हो मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, स्टेट मतलब हो गया कमांड, स्टेट मतलब क्या हो गया सर्किट्स, और सर्किट्स में क्या जा रहे, कमांड्स जा रहे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिंगल कमांड या मल्टीपल कमांड, मल्टीपल कमांड की बात हो रही। तो इन द केस अगर बहुत सारे कमांड सीपीयू पे जा रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत सारे कमांड सीपीयू पे जा रहे हैं, तो ये बोलता है देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द नंबर एंड नेचर ऑफ सच वेरियस एग्जीक्यूशन स्टेट्स, स्टेट्स मतलब क्या हो गया कमांड, by the processor that helps auditor to determine which logical process is carrying out, come on, क्या लिखा है, unauthorized activity, तो कौन सा command unauthorized activity perform करवाने वाला है, जैसे मैंने example दिया virus command, right, तो virus command कभी भी authorized user नहीं भेजेगा, यह हमेशा unauthorized activity ही perform करेगा, तो मुझे ऐसे command को क्या करना पड़ेगा, control करना पड़ेगा कि वो CPU तक ना पहुंच पाए, such as gaining unauthorized access to sensitive data maintaining a real memory of what CPU. तो अपने को क्या करना है, determine करना है, क्या करना है, determine करना है कि कोई भी unauthorized command जो है CPU तक नहीं पहुंचना चाहिए। आ रहा है बात समझ, कोई भी command, यहाँ पे example दिया हुआ है दोस्तों, digital logical sir is boolean function, boolean function again is a command which has what, two values, yes or no. तो जब मैं कोई आपसे क्वेश्चन करता हूँ whether this work is required to be done or not, तो ये जो कमांड गया इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही आएगा, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, बूलियन फंक्शन, बूलियन फंक्शन इज आल्सो अ कमांड, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में सेकंड पॉइंट जो बोलता है, ये क्या बोल रहा है कि अगर यूजर मल्टीपल कमांड्स सीपीयू को भेजता है तो हमें वहां पे कंट्रोल लगाना चाहिए ये चेक करने के लिए कि उसमें से कौन सा कमांड अनऑथराइज्ड है, कौन सा कमांड ऑथराइज्ड है। तो जो अनऑथराइज्ड कमांड है वो सीपीयू तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया दोस्तों? यस। तो इसकी वर्डिंग्स भी मैंने आपको दिखा दी और इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल लैंग्वेज में आप मल्टीपल एग्जीक्यूशन कमांड को लिख लो, वहीं पे आप लिख लो फटाफट से मल्टीपल एग्जीक्यूशन कमांड को, मैं यहां पे बात कर रहा हूं मल्टीपल एग्जीक्यूशन कमांड,
execution command. लिखो यहां पे, it refers to the control, it refers to the control required to determine which command is command, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो उसको प्रोग्राम, is authorized and which one is unauthorized, so that unauthorized command can be prevented, रोका जा सके, from reach of, from reaching into CPU so that as a result unauthorized processing can be stopped. Yes, clear or not clear? Yes, multiple execution command यहां पे आपका clear हो गया. Okay, ये लिख लिया आपने. Yes, now तीसरा point आता है दोस्तों, timing control. Timing control. Now अब ये बोलता है timing control ना what? अब timing control क्या होता है? Say suppose मान लो यहां पे user था, user ने command दिया, यूजर ने क्या दिया, कमांड दिया. कमांड किसका था? डिवीजन. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ए एंड एल अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है, तो डेफिनेटली डिवीजन का कमांड जा सकता है. और ये कमांड कहां पे गया दोस्तों? सीपीयू के पास, और ऑब्वियसली रैम से होते हुए गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब बताओ यहां पे जो इसने डिवीजन का कमांड दिया, ध्यान से समझना, और इसने नंबर जो थे वो डिवीजन जो था वो 10 को 3 से करना था, तो 10 और 3 जो नंबर था, तो 10 को डिवाइड करना था 3 से, मतलब आंसर क्या था? 3.33333. अभी कितनी बार 3 आता जाएगा? n नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम. क्या ये प्रोसेसिंग बताओ कभी रुकने वाली है? नहीं. तो ये प्रोसेसिंग क्या होगी दोस्तों? इनफाइनाइट प्रोसेसिंग होगी. तो क्या अब ये प्रोसेसिंग रुकनी ही नहीं चाहिए? क्या रुकनी चाहिए? यस. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइमिंग कंट्रोल. ये क्या बोलता है? ईच एंड एवरी, देखो वहां पे फटाफट से, दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. आप यहां पे दिखा देता हूं आगे सबसे पहले, फिर मैं लिखाता हूं यहां पे क्या लिखा है. दिस कंट्रोल इज इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन व्हाट स्टिपुलेटेड स्टॉप टाइम. बट एक्चुअल में अगर आप देखो यहां पे, अगर आप 9 डिवाइडेड बाय 3 करो तो ये एक ही बार में रुक जाएगा. तो यहां पे टाइमिंग कंट्रोल की जरूरत नहीं है, बट जब ऐसे डेटा आएंगे तो डेफिनेटली यहां पे टाइमिंग कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी. मतलब ये क्या बोलता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम माइट गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप. ऐसे कभी-कभी प्रोसेस हो जाते हैं जो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहते हैं. उसके केस में हमने क्या बोला हुआ है कि एवरी प्रोसेसिंग, कोई सी भी प्रोसेसिंग, इट शुड बी स्टॉप्ड विद इन स्टिपुलेटेड स्टॉप टाइम. मतलब एक हमने टाइम दे दिया, से सपोज मैंने इसको बोल दिया 2 सेकंड, कोई भी एक्टिविटी प्रोसेस होगी 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में जितनी बार 3 आ जाएगा उतना 3 आएगा, इसके बाद स्टॉप. से सपोज मैंने बोल दिया 4 times 3 आया, मैंने क्या बोल दिया? 4 times 3, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. आया बात समझ में? नहीं आया? यस. इसके बाद क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो 3.33 फिर बार आ जाएगा वहां. तो दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इनफाइनाइट प्रोसेसिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. आया बात समझ में? यस. तो चलो लिखो फटाफट से इसको भी. दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, दिस
control is required to complete and finish infinite loop, that is bracket mein processing, in a stipulated, in a given period of time. So that processing can be completed within time. आगे बात समझ में आई? यस. तो ये जो इनफाइनाइट लूप है ये क्या होना चाहिए दोस्तों? कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइमिंग कंट्रोल. क्लियर? तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो प्रोसेसिंग है उसमें एरर नहीं आएगा. फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों, रिटेंशन कंट्रोल. फोर्थ पॉइंट क्या आता है? रिटेंशन कंट्रोल. कभी कभी क्या होता है, नाउ मेरी बात आप समझना. से सपोज आपको रन करना है आईआरसीटीसी. अब आईआरसीटीसी रन करने के लिए, ध्यान से समझना, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन रन करने के लिए बहुत सारे सर्वर की जरूरत पड़ती है. तो एक सीपीयू यहां पे है, जहां पे हमने क्या रखा हुआ था, यूजर इंटरफेस रखे हुए थे. दूसरा सीपीयू था सीपीयू नंबर टू, यहां पे एप्लीकेशन लॉजिक, यहां पे कोडिंग रखी हुई थी आईआरसीटीसी. तीसरा सीपीयू था, वहां पे आईडी एंड पासवर्ड रखे हुए थे यूजर के. ओके, फोर्थ सीपीयू था जहां पे पूरा डेटाबेस रखा हुआ था. हो सकता है? नहीं हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक सीपीयू में सफिशियंट डेटा, पूरा डेटा नहीं आ सकता था. तो इनने क्या किया, अलग अलग सीपीयू बनाया और इसको क्या किया, इससे लिंक कर दिया. तो अब अगर यूजर को इंटरनेट के जरिए क्या यूज करना है, आईआरसीटीसी यूज करना है, तो जब वो irctc.co.in ओपन करेगा और इस स्क्रीन में उसको एक पेज ओपन होगा, वेब पेज. तो मेरे को बताओ ये वेब पेज पे जो डेटा दिख रहा है दोस्तों, क्या ये एक सीपीयू से आ रहा है या कई सारे सीपीयू को मिलकर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड भी देना पड़ेगा. ओके, देन इसका डेटा बेस भी आपको यहाँ पे दिखेगा, बोलो जरा फटाफट से. यस, इसका स्क्रीन भी दिख रहा है तो यूजर इंटरफेस भी दिख रहा है. ओके, एंड चूंकि ये पेज ओपन हो रहा है तो इसकी कोडिंग भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज हो रही. मतलब मैं पेज तो एक ओपन कर रहा हूँ, बट उस पेज को एक्सेस करने के लिए मुझे चार सीपीयू एक साथ प्रोसेस करवाने पड़ रहे, क्योंकि अलग अलग सीपीयू में अलग अलग डेटा रखा हुआ है. राइट? एंड चूंकि ये सारे सीपीयू क्या है साहब, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली कनेक्टेड है, यस, इंटीग्रेटेड है, तभी जाके आपको अलग अलग सीपीयू एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही. आप सीधा irctc.co.in डालते हो, चूंकि सारी सीपीयू एक दूसरे लिंक थी, वो अपना अपना डेटा आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता. अगर ऐसा हुआ और आपके सारे सीपीयू इंटीग्रेटेड है दोस्तों, तो मान लो इस सीपीयू पे एरर आ गया. क्या आ गया? एरर, या ओवरबर्डन हो गया, या क्रैश कर गया, या डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया इस सीपी को, अरे या इसमें वायरस आ गया, कुछ भी हो गया, क्या इसकी वजह से क्या ये सीपीयू भी अफेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे. तो अपने को क्या करना है, अपने को रिश्ता ऐसे रखना है. कैसे रखना है? ऐसे रखना है. कैसे रखना है? ऐसे रखना है कि हम साथ साथ हैं. हमने क्या बोला? हम साथ साथ हैं, पर हम आपके हैं कौन? मतलब हम साथ साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से होना चाहिए कि अगर एक को प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा अफेक्ट नहीं होना चाहिए. राइट? तो जिसको भी बुखार आएगा, इसको से सपोज मान लो कोरोना हो गया, तो क्या कर दो, इसको आइसोलेट कर दो. क्या कर दो? इसको आइसोलेट कर दो. इसको कोरोना हो गया दोस्तों, तो कोरोना हो गया मतलब इसको आइसोलेट, इसको सेपरेट इन्वायरमेंट में रखो, ताकि इसकी वजह से ये वायरस जो है वो बाकी के कंप्यूटर पे ना आ सके. So that is called as retention control. That is also called as what? Component replication. मैंने क्या बोला यहाँ पे? Component replication. Sorry, मैंने यहाँ पे क्या retention control बोला? ना ना ना, retention control नहीं, component replication. इसको यहाँ पे लिख लो आप,
कंपोनेंट रेप्लिकेशन, मेरे को दूसरा कंट्रोल यहाँ पे क्लिक कर गया तो कंपोनेंट रेप्लिकेशन, नाम बस अलग है भगन, लॉजिक सेम है, जो हमने लॉजिक दिया वही लॉजिक है, ठीक है। कंपोनेंट रेप्लिकेशन, इसको हम कंपोनेंट रेप्लिकेशन से याद करेंगे, ठीक है। सो टाइमिंग कंट्रोल एंड कंपोनेंट रेप्लिकेशन। नो दोस्तों, कंपोनेंट रेप्लिकेशन क्या बोलता है सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आप ध्यान से समझ रहे, कई सारे सीपीयू एक साथ यूज कर रहे हो और उसमें से अगर कोई सीपीयू खराब हो जाए तो उसको क्या कर दो, आइसोलेट कर दो। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, क्या कर दो, आइसोलेट कर दो, कि उसकी वजह से बाकी सारे सीपीयू के प्रोसेसिंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, दिस कंट्रोल्स आर अप्लाइड इन, कम ऑन, क्या लिखा है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय मल्टी प्रोसेसर, जहां पे आप मल्टीपल सीपीयू यूज कर रहे हो, where we use what, come on, we use, come on, two or more CPUs. So जहाँ पे आप multiprocessor system use कर रहे हो, जहाँ पे आप multiple CPUs use कर रहे हैं, for automatic, come on, क्या लिखा है, isolation of non-functional CPU from other functional CPUs. आगे बात समझ में, simple language में यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, isolate non-functional CPU from other CPU in multiple processing system. क्लियर और नॉट क्लियर लिखाने की जरूरत है क्या, लिखना हो तो लिख लो सिंपल लैंग्वेज में, यस, वेयर टू और मोर सीपीयूज आर यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल प्रोग्राम, ब्रैकेट में आप IRCTC लिख सकते हो, फेसबुक लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, राइट, यूट्यूब हो सकता है, इतना बड़ा डेटा भाई एक सीपीयू में नहीं आएगा, व्हाटएवर, देन इन दैट केस दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट या सेपरेट non-functional CPU from other functional CPU. Clear or not clear? Yes. तो ये अगर हमने चार कंट्रोल पढ़े, कौन कौन से कंट्रोल पढ़े, पहला है error detection and correction control, दूसरा है हमारे पास, कमांड, दूसरा जो है हमारे पास, that is multiple execution path, तीसरा timing control, fourth है component replication. क्या बोला मैंने, component replication. तो ये हमारा जो दोस्तों पहला कंट्रोल है, दैट इज सीपीयू का कंट्रोल, ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया, यस yes, तो ये हमारा अभी प्रोसेसर कंट्रोल कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है, प्रोसेसर कंट्रोल कंप्लीट हुआ है ना। अब हम आते हैं दोस्तों रियल मेमोरी कंट्रोल, रियल मेमोरी कंट्रोल मतलब किस पे कंट्रोल लगाना है, रैम पे कंट्रोल लगाना, अगर रैम सही नहीं होगा तो प्रोसेसिंग सही नहीं होगा, इफ रैम इज नॉट करेक्ट देन प्रोसेसिंग विल ऑल्सो बी इनएक्यूरेट, राइट। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल लगाना पड़ेगा, तो लिख लो वहां पे फटाफट से, रैम पे आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखो आप लिखा है, तो आगे सिंपल लैंग्वेज में लिख दो वहां पे, इफ रैम इज इनएक्यूरेट देन प्रोसेसिंग विल ऑल्सो बी इनएक्यूरेट, इफ रैम इज इनएक्यूरेट, रैम इज इनएक्यूरेट देन प्रोसेसिंग will also be inaccurate. Hence, control is required. Hence, control is required so that क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, comprise the fixed amount price in which programs or data must reside. तो यहाँ पे एक primary storage, जहाँ पे आपका 4GB का primary storage दिया हुआ था, याद है आपको? Yes. 4GB का दिया हुआ था, जहाँ पे data वगैरह सब रखे हुए थे proper, जिसकी processing होने वाली थी, वो data, वो program वहाँ पे रखे हुए थे. तो क्या बोलते हैं? These controls are used to detect and correct errors occurred in the memory cell. आगे बात समझ, yes. तो this control is required so that errors available in RAM memory, क्या बोला मैं, errors available in RAM memory can be
Come on, detected and corrected. तो यहाँ पर RAM मेमोरी में जो भी एरर आएगा वो दिखना चाहिए और वो रिमूव होना चाहिए. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो अल्टीमेटली यहाँ पे RAM पे कंट्रोल लग रहा है. थर्ड आता है दोस्तों वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल. नाउ व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल? अगर मैं यहाँ पे अब तीसरी बात करता हूँ यहाँ पे ये वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी क्या था बोलो जरा फट से. इफ रैम इज प्रूव टू बी इनसफिशियंट, रैम इनसफिशियंट हो गया, सपोज 4GB का था बट सफिशियंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया था दोस्तों, हार्ड डिस्क और उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ पार्ट हमने क्या यूज कर लिया था एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज कर लिया था. राइट? यस. तो अब ये बोलता है ये वर्चुअल मेमोरी भी जो है, ये जो मेमोरी स्लॉट्स है ये भी क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एरर्स ना हो जिसकी वजह से प्रोसेसिंग आपकी अफेक्ट हो जाए. यहाँ पे देखो लिखा है वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट व्हेन द, कम ऑन क्या लिखा है, एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस. एड्रेसेबल मतलब कम ऑन, एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस इज लार्जर देन द कम ऑन अवेलेबल रियल मेमोरी स्पेस. अब एग्जाम्पल आप समझना, जैसे आप ईआरपी चला रहे बट ईआरपी को जो लगने वाला रैम है वो लगता है सपोज 6GB. ईआरपी चलाने के लिए आपको कितना जीबी रैम चाहिए, 6GB रैम चाहिए, जो कि ग्रेटर देन है अवेलेबल रियल मेमोरी स्पेस. आपका रैम कितना है भैया, 4GB. तो ये कितने से एक्सेस हुआ, 2GB से. आ रहा है बात समझ? तो दैट 2GB मस्ट बी मैप्ड एज अ वर्चुअल मेमोरी. आ रहा है बात समझ? तो अगर ईआरपी को कितना चाहिए, 6GB चाहिए, और आपके पास कितना है, 4GB, तो कम से कम एडिशनल आपके पास कितना वर्चुअल मेमोरी होना चाहिए, कम ऑन 2GB. तो ये कंट्रोल आपको लगाना है. तो कंट्रोल मैकेनिज्म मस्ट बी इन प्लेस दैट मैप्स वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस इनटू व्हाट, रियल मेमोरी एड्रेस. सो 4GB यहां पे है तो एक्स्ट्रा आपको 2GB आ जाएगा, तो आपका ये पूरा 6GB कंप्लीट हो जाएगा. आ रहा है बात समझ में? यस. तो से सपोज आप कोरल ड्रॉ यूज करते हो या एनिमेटेड सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो वहां पे ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है. तो ये बोलते हैं रैम अपने को कितना चाहिए, इसे अगर फटाफट काम करना है इस पे तो 6GB. अपने पास कितना था, 4GB, तो एक्स्ट्रा कंट्रोल कितना चाहिए, कंट्रोल लगाना पड़ेगा सो दैट वी कैन प्रोवाइड व्हाट, एक्स्ट्रा रैम और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी सो दैट ईआरपी फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड स्मूथली. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो चलो फटाफट से लिखो वर्चुअल मेमोरी में. यस, वर्चुअल मेमोरी में आप लिखो किधर गया वर्चुअल मेमोरी. यस, ये रहा. सो वर्चुअल मेमोरी पे लिखो. वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, तो दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड व्हेन, कम ऑन, रैम required for processing animation is more than RAM memory. This control is required when RAM required for processing animation software, right? Animation software is more than RAM memory available. Then additional processing capability must be implemented as a virtual memory. Clear? Example यहाँ पे लिख सकते हैं, suppose animation software कितने का ऐसे, सपोज 6GB का रैम चाहिए उसको, कितना चाहिए, 6GB का रैम, और एक्चुअल में रैम कितना है, 4GB, तो
वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी कितना चाहिए? 2 GB का, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंट्रोल, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंट्रोल। तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर कितना है दोस्तों? 6 GB का है। कितना है? 6 GB का है। और एडिशनल रैम, सॉरी अवेलेबल रैम अपने पास कितना है दोस्तों? 4 GB का। तो एक्स्ट्रा जो अपने को चाहिए दैट इज आर कंट्रोल। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे लिख सकते हो आप 6 GB इज इक्वल 4 GB का रैम है और प्लस 2 GB का, ये हमारा वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल हो जाएगा। तो दिस शुड बी वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। नाउ आता है डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। ये क्या बोल रहा है? डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल मतलब यहाँ पे अपने को क्या चेक करना है कि जब भी डेटा कोई भी यूजर प्रोवाइड करे, उसे उसने प्रोवाइड किया कि मुझे 100 डेटा और 200 डेटा का सम चाहिए, तो टोटल कितना आना चाहिए? 300। तो अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, अगर यहाँ पे क्या आ रहा है? कोई एरर आ रहा है प्रोसेसिंग करते वक्त, कोई क्या आ रहा है दोस्तों? एरर आ रहा है। तो वो एरर क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई होना चाहिए और रिमूव होना चाहिए। लिखा है यहाँ पे? यस। तो लिख लो, तो एडिशनल यहाँ पे जो प्रोसेसिंग अपन कर रहे हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग, अगर कोई भी एरर आता है तो इट शुड बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड होना चाहिए। तो लिखो यहाँ पे दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, कम ऑन फटाक से लिखो, दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द एरर्स, आइडेंटिफाई एंड रिमूव द एरर्स अकर्ड ड्यूरिंग, errors occurred, OCCURED, occurred during arithmetical and logical processing, arithmetical and logical processing, so that resultant output will be accurate and valid, so that resultant output would be accurate and valid, clear? So, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स उसने दिए हुए हैं। अब चूंकि ये जो मैं ब्लू कलर में अगर आपको दिख रहा है दोस्तों, तो ये ब्लू कलर में इसका कंट्रोल का नाम है और ब्रैकेट में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देना एग्जाम में, सिर्फ आप उसके नाम लिख देना। जैसे रन टू रन कंट्रोल है, तो ये बोलते हैं जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो, राइट? तो आप जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तो आप क्या करते हो? पूरी जनरल एंट्रीज पहले बनाते हो, फिर पूरा उसका लेजर बनाते हो, फिर पूरा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एंड देन जाके आप बैलेंस शीट बनाते हो। ये बोलते हैं ऐसे नहीं चलेगा। क्यों ऐसे नहीं चलेगा? क्योंकि हो सकता है जनरल एंट्रीज करते वक्त या लेजर करते वक्त कुछ एरर आ गया हो, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत बाद में समझ में आएगा और वो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोलते हैं रन टू रन कंट्रोल मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो वैसे वैसे उसका इम्पैक्ट आप बैलेंस शीट में देते जाओ, जैसे टैली करता है। जैसे आप जर्नल एंट्रीज करोगे उसका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट दिखेगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो इस केस में जो एरर के चांसेस है वो क्या होते हैं दोस्तों? कम हो जाते हैं। क्लियर? उसी तरीके से रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन है। तो कंपेयर करो आप एक ही चीज को दो तरीके से या तीन तरीके से, मतलब अपन कैसे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे सपोज अपन ने ऐसा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून ऐसा नवंबर दिसंबर मार्च तक का पूरा बना लिया, राइट? देन इसके बाद अपन एक्सपेंस के नाम दे रहे हैं, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। तो अगर आप वर्टिकली टोटल करोगे तो आपको एनुअल टोटल किसका मिलेगा? एनुअल टोटल मिलेगा ऑल एक्सपेंस, सॉरी किसका मिलेगा? रेंट का, क्योंकि अपन ने रेंट कॉलम बनाया। तो अपन पूरा एनुअल रेंट बता सकते हैं भाई अगर वर्टिकल टोटल करते हैं। बट अगर मैं हॉरिजेंटल टोटल करूं तो मुझे क्या मिलेगा? जैन का टोटल एक्सपेंस मिलेगा। आ रहा है बात? सो ये वर्टिकल का टोटल और हॉरिजेंटल का टोटल दोनों अगर आप वेरीफाई करोगे और दोनों का अगर सम सेम आता है, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है, बट अगर हॉरिजेंटल का टोटल एंड वर्टिकल का टोटल अलग अलग आता है तो फिर वहां पे एरर है। तो ये वही बोल रहा है रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन। क्लियर? एडिट चेक, फील्ड इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये आप याद रख लेना। फील्ड इनिशियलाइजेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कि जब भी आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो इट शुड बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, मतलब आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे नया काम मत करो। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे कोई डेटा पहले से है तो वो भी आपके सम में ऐड हो जाएगा, आपके प्रोसेस में ऐड हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट व्हाट रॉन्ग आउटपुट। तो ये हमेशा जैसे अपन क्या करते हैं, सम करते हैं, अकाउंट्स के सम हो गए, मैथ्स के सम हो गए,
या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के समय, तो हम हमेशा नया प्रॉब्लम नए पेज से करते हैं। रीजन यही है कि एग्जिस्टिंग पेज से करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है, और सम करते वक्त हो सकता है हम उस डेटा को ऐड कर ले जो कि हमारे प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं था। तो ये हमेशा बोलते हैं सेटिंग ऑल वैल्यूज टू जीरो बिफोर इंसर्टिंग द फील्ड और रिकॉर्ड। जब भी आप कोई भी नया प्रोसेस करे उसके पहले आप सारी वैल्यूज को क्या कर दे, जीरो कर दे, नील वैल्यू कर दे। क्लियर। एक्सेप्शनल रिपोर्ट बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक्सेप्शनल रिपोर्ट का भी बोल देता हूं मैं, टैली। कभी कभी होता है बैलेंस शीट में ऐसी चीजें दिख जाती है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट में होता है नॉर्मली, बट वो क्रेडिट में दिख रहा है, ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल रिपोर्ट। या हमेशा टैली जो है उसको अपने आप, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, टैली अपने आप आपको ये प्रोवाइड कर देगा। आप अगर देखो यहाँ पे टैली ने ये फीचर्स दिया हुआ है कि आप जो है एक्सेप्शनल रिपोर्ट अपने आप डायरेक्टली देख सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल पीरियड हमारा 365 डेज का होता है, राइट। और उस केस में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि मुझे लगता है ये कौन सा एरर है, कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, सो यू नीड टू चेक ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, राइट। तो बट इस केस में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे जो टैली ने क्या किया हुआ है, ये फीचर आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ये देखो एक्सेप्शनल है, यहाँ पे अगर कोई भी एरर है, जैसे निगेटिव स्टॉक है, ये कोई निगेटिव लेजर है, ये ओवरड्यू रिसीवेबल है, रिसीवेबल हमेशा डेबिट दिखते हैं, बट अगर क्रेडिट दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिटर अगर डेबिट दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अरे बस सुनते, इस तरीके के अगर यहाँ पे देखो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ये देखो यहाँ पे ये क्रेडिटर अगर डेबिट दिख रहा है, डेटर्स अगर क्रेडिट दिख रहा है, मशीन अकाउंट एसेट है नॉर्मली, ये लाइबिलिटी में दिख रहा है, तो ये क्या किया है इसने, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में दे देगी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पे जो ऑडिटर है वो अपने आप चेक कर लेगा विदाउट फाइंडिंग कि बाबा ये एरर हुआ था या नहीं हुआ था, तो डायरेक्टली एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाएगा और लिस्ट देखेगा। तो यहाँ पे जितने भी लिस्ट आएंगे, ये समझ जाइए आप कि सब कुछ एरर फुल है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। तो प्रोसेसिंग कंट्रोल के अंदर दोस्तों चार कंट्रोल है, अगर आपको समझ में आ रहा। पहला है सीपीयू पे कंट्रोल, दूसरा है रियल मेमोरी पे कंट्रोल, तीसरा है आपको वर्चुअल मेमोरी पे कंट्रोल, एंड फोर्थ है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग पे कंट्रोल। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। सो आई होप आपको डेटा प्रोसेसिंग जो है वो समझ में आया है दोस्तों, राइट। तो चलो आ जाओ दोस्तों, आउटपुट कंट्रोल भी यहीं पे कर लेते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, आउटपुट कंट्रोल भी कर लिया जाए? हाँ जी, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, मैं समझ रहा हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, और चीज़ें समझने में थोड़ा थोड़ा लगता है, रिलैक्स भी चाहिए होता है, तो चलो हमने आपके रिलैक्स का इंतज़ाम किया हुआ है, आप टेंशन मत लो। अपन एक छोटा सा गाना गाएंगे, यार मेरे को भी मज़ा आ जाता है गाना वाना गाने को, मिल जाता है, ठीक है, ये भी एक प्रतिभा है, ठीक है, मैं जो है शौक रखता हूँ गाना गाने का, तो मेरा भी शौक पूरा हो जाता है, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो चलिए आइए, एक ट्रैक हमारे पास, उस ट्रैक को सुनते हैं, ठीक है, एंड देन फिर हम इस सभा का समापन करेंगे, ठीक है, तो चलो आ जाओ।